दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। बेटे को अच्छी ओपनिंग मिले इस वजह से सनी को चाहिए दिल्ली की लड़की। अगर आप सनी देओल के बेटे करण के साथ ऑनस्क्रीन रोमांस करना चाहती हैं तो आपका दिल्ली की लड़की होना बेहद जरूरी है। एक सूत्र ने बताया कि इसके लिए खोजबीन शुरू कर दी गई है। अपनी टीम के साथ सनी लड़की की तलाश तेज कर दी है, लेकिन शर्त यह है कि लड़की की उम्र 16-20 के बीच होनी चाहिए। सनी के करीबी सूत्र से जब पूछा गया कि क्या प्रमुख जोड़ी के अलावा फिल्म में क्या जाना पहचाना चेहरा होगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शायद हाँ या शायद नहीं, फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली की एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। सनी ने 1983 में आई एक प्रेम कहानी आधारित फिल्म बेताब के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को राहुल रवेल ने डायरेक्ट किया था, जिसमें उनके साथ नई एक्ट्रेस अमृता सिंह थी। अमृता भी गलती से दिल्ली की ही लड़की थी, जो कि कार्यकर्ता रुखसाना सुल्तान और सेना अधिकारी शिविंदर सिंह वीर की बेटी हैं। वो उपन्यासकार खुशवंत सिंह की ग्रैंड भतीजी हैं। वहीं सनी के भाई बॉबी ने 1995 में आई फिल्म बरसात के साथ डेब्यू किया था। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। इसमें उनके साथ राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना थी। बता दें कि सनी अपने बेटे के लिए अपनी जैसी ओपनिंग करवाने के बारे में सोच रहे थे। जिस तरह सनी ने अपनी डेब्यू फिल्म बेताब से अमृता के साथ बॉलीवुड में एक शानदार एंट्री की थी, उसी तरह सनी चाहते थे कि उनका बेटा करण भी अपनी पहली फिल्म में एक्ट्रेस अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी सारा के साथ डेब्यू करे, ताकि 1983 में जो जादू सनी और अमृता की जोड़ी ने किया था, अब इन दोनों स्टार किड्स के स्क्रीन पर आने से लोगों को वही जादू याद आए और दोनों को एक अच्छी ओपनिंग मिल सके। खबर है कि हाल ही में सनी इस बात को लेकर बेताब फिल्म में अपनी को स्टार अमृता सिंह से मिलने गए थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सैफ और अमृता की बेटी भी जल्द बड़े पर्दे के लिए तैयार हों। कहा जा रहा है कि वो बेताब वाला जादू दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।